नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, रेस्टनाइज्ड होम्योपैथी की तरफ से मैं डॉक्टर श्यामल किशोर आज एक आईबीएस के सोल्व केस प्रस्तुत कर रहा हूं। ये केस है 35 वर्षीय महिला रोगी का जो अपने पति के साथ आई। रोगी के पति ने बताना शुरू किया कि इनको इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम की तकलीफ है, जिसके चलते यह बहुत परेशान रहती है। दवा दिए जाने के बाद से थोड़े दिन तक ठीक रहती हैं, फिर से यह तकलीफ होने लगता है। मैंने रोगी से कहा, आप अपनी तकलीफ खुद से बताइए। तब रोगी ने बताना शुरू किया, मुझे बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, एक बार में साफ ही नहीं होता है। कभी पतला लैट्रिन होता है, कभी झाग वाला होता है, कभी थोड़ा थोड़ा होता है, खुल करके एक साथ में नहीं होता, कई बार जाना पड़ता है। पेट में गैस की तकलीफ रहती है, पेट हमेशा भरा भरा रहता है, खाने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता है, पेट में दर्द होते रहता है। मैंने पूछा, बार बार लैट्रिन जाने से दिक्कत क्या होती है? ज्यादातर मेरा प्रश्न रोगी के दिए गए एक्सप्लेनेशन में से ही होता है। जब रोगी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा होता है तो जो शब्द वो कहता है, मेरा अगला प्रश्न उसी में से होता है। जैसे रोगी ने कहा कि बार बार तकलीफ के लिए लैट्रिन जाना पड़ता है, तो मैंने पूछा, बार बार लैट्रिन जाने से दिक्कत क्या है? तब रोगी ने कहा, बार बार लैट्रिन जाने से मैं थक जाती हूं, कमजोरी आ जाती है। मैंने पूछा, और? रोगी ने कहा, खाने पीने की हर तरह का ध्यान रखती हूं, फिर भी तकलीफ हो जाती है, खाने के बाद पेट फूल जाता है, दर्द करने लगता है। मैंने पूछा, जैसे रोगी ने कहा यहां पर कि मैं खाने पीने के हर तरह का ध्यान रखती हूं, फिर भी तकलीफ हो जाती है, तब मेरा अगला प्रश्न रहा कि आप किस तरह से ध्यान रखते हैं? रोगी ने कहा, खाने पीने में मैं ध्यान रखती हूं कि ऐसा कोई चीज ना खा लूं जिससे कि बार बार लेटरी जाना पड़े, पेट में दर्द होने लगे। मैंने पूछा, क्यों? खाने से ऐसा क्या दिक्कत होती है, या क्यों ऐसा क्या दिक्कत होती है ऐसा कुछ खा लेने से? तब रोगी ने कहा, पेट में तुरंत गैस बन जाती है, फिर दर्द करने लगता है। मैं कोई गंभीर चीज खा लेती हूं, जैसे कि तेज तीखा मसालेदार, तब पेट में तकलीफ होने लगती है। पेट की तकलीफ के चलते मेरा सब कुछ खाना प्रतिबंधित हो गया है। पहले मैं खूब बढ़िया से खाती थी, मुझे पसंद भी था, आज भी मुझे तरह तरह का खाना पसंद है, बाहर का खाना पसंद है, लेकिन तकलीफ के चलते मैं कुछ नहीं खा पा रही हूं, बहुत संभल संभल करके थोड़ा थोड़ा खाती हूं। मैं भरपेट तो कभी खा ही नहीं सकती, अगर खाना भरपेट खा ली तो तुरंत दर्द शुरू हो जाता है, बेचैनी शुरू होने लगती है। मैंने पूछा, और? रोगी, आप ऐसी दवा दीजिए कि मुझे बार बार लैट्रिन ना जाना पड़े, दर्द ना हो, सब लोगों की तरह मैं भी सब कुछ खा सकूं। मैंने पूछा, और? रोगी, इसके अलावा मुझे और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूछा, तकलीफ के समय में स्वभाव में क्या बदलाव आता है? रोगी ने कहा, बदलाव नहीं आता है, लेकिन काम करने का मन नहीं करता है। मैंने पूछा, तो क्या फिर आप काम करते हैं या नहीं करते हैं? रोगी, जब परेशानी ज्यादा होती है उस वक्त नहीं करती हूं, चाहती तो हूं कर लूं, लेकिन होता नहीं है। मैंने पूछा, क्यों? रोगी, बार बार लैट्रिन जाती हूं, पेट में ऐंठन होती है, तब ताकत ही नहीं मिलती है, जब तकलीफ में राहत मिलती है तब जो जरूरी काम है वो करती हूं, बाकी काम तो बच्चों से करवा देती हूं। मैंने पूछा, नींद कैसी है और सपना क्या आता है? रोगी ने कहा, रात कई बार रात को भी नींद खुल जाती है तो लैट्रिन जाना पड़ता है, फिर बाद में जल्दी नींद नहीं आती, पता नहीं चलता कि नींद खुल जाती है इसलिए लैट्रिन जाना पड़ता है, या लैट्रिन का एहसास होता है इसलिए नींद खुल जाती है। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को 30 पोटेंसी में दवा दिया, जिससे रोगी को बहुत राहत मिली। बाद में कुछ तकलीफ रह गई थी तो मैंने 200 पोटेंसी में दवा दिया, जिससे वह पूरी तरह से ठीक हो गई। यहां पर यह आईबीएस की तकलीफ बहुत लोगों में कॉमन है, सिम्टम्स भी कॉमन है, लेकिन रोगी के कहने के ढंग से दवाएं अलग अलग हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि एक बीमारी के लिए एक ही दवा होगी,
अलग अलग रोगी में अलग अलग लक्षण के अनुसार से दवा अलग हो सकती है। इस केस में रोगी ने कहा कि मुझे आईडीएस की तकलीफ है, थोड़े दिन ठीक रहता है फिर से होने लगती है, यानी यह पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा है, तो इससे तकलीफ क्या होती है। तब रोगी ने कहा कि बार बार लेटरिन जाना पड़ता है, एक बार में साफ नहीं होता है, मतलब कि कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे कोई काम है, एक प्रोसेस है, वो पूरा नहीं होता, अधूरा लटका रहता है। तो रोगी की यह फीलिंग है कि एक काम पूरा नहीं होता है, मैं रिलैक्स नहीं हो पाती पूरी तरह से, कि एक बार हो जाए तो मैं रिलैक्स हो जाए, तो यहां काम अधूरा रह जाता है, ये रोगी की फीलिंग है। दूसरा कि बार बार जाना पड़ता है और हमेशा पेट फेट कुछ खाना खाने के बाद तकलीफ हो जाती है, तो ईटिंग के बाद तकलीफ का बढ़ना, और रोगी खाने से डरती भी है कि अगर खा लेती हूं तो तकलीफ हो जाती है, तो पेन का डर है, हैरान होने का डर है, और बार बार लेटरिन जाने से क्या दिक्कत है, कमजोरी आ जाती है, तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाने का डर है, इसलिए चाहत तो बहुत होती है, ये खा लू वो खा लू, लेकिन खा नहीं पाती है क्योंकि खाने से दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो रोगी ने यहां भी कहा कि मैं भटपट खाना भी नहीं खा पाती हूं, बढ़िया से खा भी नहीं पाती हूं, तो यहां भी काम अधूरा रह गया। इस तरह से हमने रोगी में हर जगह यही देखा कि उसका काम अधूरा रह जा रहा है, नींद भी पूरी नहीं हो रही है, नींद रात को तकलीफ होती है तो नींद टूट जाती है, यानी रोगी की ओवरऑल फीलिंग यही थी कि मेरा काम पूरा नहीं हो पा रहा है, अधूरा रह जाता है। तो अब हम इस रूब्रिक के आधार पर, मैंने रूब्रिक, एक रूब्रिक है डिल्यूजन वर्क ए कम्प्लीट हर वर्क कैन नॉट, मतलब सी कैन नॉट ए कम्प्लीट हर वर्क, वह अपना काम पूरा नहीं कर पाती है, काम करना होता है पूरा नहीं हो पाता है तो बच्चों से करवाती है, वह अपना काम पूरा नहीं करवा पाती है, सी कैन नॉट ए कम्प्लीट हर वर्क, वह अपना काम पूरा नहीं कर पाती है, खाना पूरा नहीं खा पाती, काम नहीं पूरा कर पाती, एक बार में लेटरिन खुल करके नहीं हो जाता, तो हर जगह काम पूरा नहीं हो पाता है, सी कैन नॉट ए कम्प्लीट हर वर्क, ज्यादा बार बार लेटरिन जाने से कमजोरी होती है, तो डर रहता है कि बार बार लेटरिन जाऊंगी तो कमजोरी आ जाएगा, फियर पॉवर्टी। रोगी को खाने से भी डर लगता है, अगर तीखा खा ली, मसालेदार खा ली, ज्यादा खा ली तो पेन होगा, फियर ऑफ द पेन, जिस पेन के बारे में रोगी को मालूम है वो पेन फिर से होगा, इस बात के डर से रोगी सतर्क रहती है, ये फियर ऑफ द पेन है, जबकि इच्छा तो बहुत होती है, ये खा लू वो खा लू, डिजायर फुल ऑफ डिजायर, लेकिन खाने के बाद तकलीफ बढ़ जाती है, ईटिंग आफ्टर अग्रेवेट, ये चाहती है कि मैं भी सब कुछ खा सकूं जो लोग दूसरे लोग खाते हैं, इसके लिए एक रूब्रिक है एनवी, दूसरों को स्वस्थ देकर के, दूसरे लोग अच्छे देकर के रोगी की इच्छा होती है कि मैं भी वैसा हो जाऊं, ये एनवी है, डॉक्टर साहब आप तो ऐसी दवा दीजिए कैरी डिजायर, मतलब आप ऐसा कोई दवाई दीजिए, ऐसा कोई उपाय कीजिए मैं ठीक हो जाऊं, अस्वस्थ से स्वस्थ में आ जाऊं, कैरी डिजायर, और यह तकलीफ मुझे दर्द दे रही है, परेशान कर रही है, डिल्यूजन इंजुरी इंजर्डिज भी, और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को ब्रेनिया 30 दिया जाता, ब्रेनिया एल्बा 30 और बाद में 200 दिए जाने के बाद रोगी पूरी तरह से ठीक हो गई।